हेलो, आई कैन सी मेनी पीपल जॉइनिंग. वील वेट फॉर सम टाइम सो दैट अदर्स ऑल्सो जॉइन, देन वील स्टार्ट अवर सेशन. हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? मेरा वॉइस क्लियर है एकदम? तो हम शुरू करते हैं सेशन. ओके, हाय सोनिया जी, थैंक यू. ओके, सो चलिए, अब काफी लोग दिख रहे हैं मुझे लाइव में, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ महिमा सरीन फ्रॉम मुंबई, आप सबका वेलकम करती हूँ अमूल के सिंपल होममेड लाइव सीरीज में, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेसबुक लाइव सीरीज है. काफी सारे इसमें सीरीज, काफी सेशंस हो चुके हैं. जय माता दी, जय माता दी मम्मा, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जय माता दी, माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें. तो आज जो है, मैं एक नवरात्रि है तो नवरात्रि स्पेशल डिश ही लेके आई हूँ, और बड़ी अच्छी डिश है, बहुत फास्ट में खाने के लिए बहुत अच्छी है. हम लोग एक ग्रैनोला बार बनाने वाले हैं कुछ सीड्स से, जो कि आई थिंक इसमें ऐसा सॉल्ट वॉल्ट कुछ नहीं है, तो ये आप आराम से खा सकते हैं, और बहुत फटाफट बनने वाली रेसिपी है एज यूजुअल, और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत हेल्दी रहती है, बहुत फिलिंग होती है. तो क्या होता है कि जब भी हम फास्ट में खाते हैं तो हमारा पेट काफी देर भरा रहता है, तो हमें एनर्जी भी काफी मिलती है इससे. तो चलिए, ज्यादा देर ना करके शुरू करते हैं. तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. तो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं क्रैनबेरीज. ये मेरे पास ड्राइड क्रैनबेरीज हैं, ड्राइड एप्रिकॉट्स हैं, तो जो आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं ड्राइड फ्रूट्स, ये वो हैं. साथ ही में ये है पंपकिन सीड्स, इसको मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है. आपको रोस्ट करना जरूरी है, उससे क्या होता है क्रंच आता है और टेस्ट भी बहुत एनहेंस हो जाता है. तो हमेशा जो भी सीड्स यूज करते हैं उसको हमको रोस्ट करके यूज करना है, तो मैंने ये पंपकिन सीड्स को रोस्ट किया है. साथ ही में ये है फ्लैक्स सीड्स, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है, कुछ घी नहीं डाला, कुछ नहीं. और ये है हमारे सेसमे सीड्स तिल, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया है. सबको मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है, तिल, सेसमे सीड्स, देन फ्लैक्स सीड्स हमारी जो अलसी होती है, और ये पंपकिन सीड्स है. और साथ में मैंने दो ड्राई फ्रूट लिए हैं, आप इसमें कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और साथ में मैंने लिया है एलमंड्स, इनको भी मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितना हमारा मिक्सचर है इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे. रीजन, क्योंकि इतना बड़ा मुंह में डालेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा ग्राइंड रहेगा, फाइन रहेगा, तो खाने में अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा एलमंड करूंगी, फिर उसके साथ बाकी चीजें मिला के करूंगी. पल्स
फर्स्ट मोड पे करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि एकदम बारीक फाइन पाउडर हो जाएगा और मजा नहीं आएगा और फिर कई बार ऑयल भी छूट जाता है। तो पल्स मोड पे स्लोली स्लोली हमको इसको करना है। और पहले हम ये ड्राई जो है इसको करके फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा ये जो हमारे ड्राइड फ्रूट्स हैं उसको चलाएंगे। तो अब मैं इसको फिर से करती हूँ ग्राइंड। ये देखिए बहुत फाइन पाउडर नहीं हुआ है अभी, इसमें आप देख सकते हैं खड़ा खड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा ये जो ड्राइड क्रैनबेरीज है वो डालेंगे। इससे क्या होगा थोड़ी सी बाइंडिंग आएगी। और ये जो हमारे एप्रिकॉट्स है इनको भी हम छोटे छोटे पीसेस करके डाल लेंगे, इतना बड़ा नहीं डालेंगे नहीं तो फिर वो पीसने में प्रॉब्लम होगा। बहुत हेल्दी होते हैं ये ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं। क्रैनबेरी तो एक सुपर फूड है आप जानते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमें अपने डाइट में जरूर इसको इंक्लूड करना चाहिए। और एप्रिकॉट भी बहुत हेल्दी होता है, साथ में जितने सीड्स हमने इसमें यूज किए हैं कैल्शियम आयरन और फ्लैक्स सीड से कोलेस्ट्रॉल बहुत रिड्यूस होता है। हाँ जी मम्मा, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो आपको जो मतलब, जैसे मैं ये फास्ट के हिसाब से बना रही हूँ तो मैंने ये लिया है, अगर आप चाहें फास्टिंग के अलावा तो आप इसमें ओट्स भी डाल सकते हैं। तो चॉइस हमारी है, आप कैसे भी बना सकते हैं, चॉकलेट में डब बना सकते हैं, तो चॉइस अपनी है, कुछ भी इसमें हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं। अब मैं इसको फिर से थोड़ा सा चलाऊंगी। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा हमारे पास मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कढ़ाई। और इसमें डालेंगे जरा सा अमूल का घी, जस्ट 1 टीस्पून, नॉट टू मच। और इसमें डालेंगे शक्कर, थोड़ी ही डालेंगे क्योंकि हमको एक बाइंडिंग देनी है। तो मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितनी शुगर, क्योंकि मैं इसमें हनी भी डालने वाली हूँ और क्रैनबेरी जो होती है वो ऑलरेडी स्वीट होती है तो हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। इससे क्या होगा एक थोड़ी सी इसमें हार्डनेस आएगी। कैन वी यूज डेट्स एंड मिक्स? यस यस डेफिनेटली आप डेट्स भी यूज कर सकते हैं डेट्स के लिए, लेकिन फिर आपको उसको क्या करना है कि उसको पहले डीसीड करिए, उसमें से बीजे निकालिए, उसको थोड़ा सा हॉट वाटर में सोक करिए एंड उसके बाद आप उसको पीस के कुक करिए, क्योंकि हम उसको पानी में सोक करेंगे तो ये जरूरी है। पानी वाली कोई भी चीज होती है तो उसको हमको पकाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे, आपको इमीडिएट खाना पड़ेगा। तो पानी आप उसका डेट्स का अच्छे से एंड दी अदर थिंग इज आप इसमें फिर पीनट बटर भी यूज कर सकते हैं, पर वो सब फिर फास्टिंग के टाइम में यूज होगा। जस्ट अ मोमेंट। अगर नहीं कर रहे तो आप इसमें ओट्स पीनट बटर डाल सकते हैं, तो वो फिर काफी प्रोटीन और हेल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा उसके लिए भी, मतलब जो लोग डाइट पर रहते हैं तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है।
हल्का सा मैं इसमें पानी डालूंगी। ये मैंने स्लो पे ही रखा हुआ है क्योंकि शुगर की क्वांटिटी काफी कम है, तो हम अगर इसको तेज करेंगे तो जल्दी से जल जाएगी। तो हम इसको स्लो पे ही मेल्ट करके चाशनी बनाएंगे, सिरप जैसा बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें जैगरी भी यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ शुगर आप इसमें जैगरी भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी शुगर मेल्ट हो गई है, हमको इसको ब्राउन नहीं करना है। अब मैं डाल दूंगी इसमें अमूल का हनी। हनी बहुत सारे फ्लेवर के आते हैं। इतना जो पाउडर था ये करीब 2 कप्स पाउडर है, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ही लिया है क्योंकि जो मेन स्वीटनेस है वो मैं हनी से दे रही हूं, तो मुझे ज्यादा शुगर नहीं चाहिए। और मैं गैस बंद कर दे रही हूं अब इस स्टेज पे क्योंकि मुझे हनी को कुक नहीं करना है। कोई भी आप हनी यूज कर सकते हैं, चाहे तो प्लेन या फिर फ्लेवर्ड, आपकी चॉइस है। और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और अगर आपको लगे कि अभी इसमें बाइंडिंग कम है तो आप थोड़ा सा हनी और ऐड कर दीजिए, हनी ऐड करिए। या अगर आपको शुगर ज्यादा पसंद है, हनी का फ्लेवर कम पसंद है, तो आप थोड़ा सा शुगर ज्यादा ले लीजिए, ये आपकी चॉइस है। बाकी हनी से ये काफी हेल्दी हो जाता है, शुगर कंटेंट कम है, तो इसीलिए मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि हम लोग हनी डालें। ये देखिए, तो ये ऐसे हमें ऐसा मिक्सचर रेडी करना है। और अब हम इसको डाल देंगे एक बेकिंग ट्रे में जिसमें हम इसको सेट करने के लिए रखेंगे। और एक स्पैटुला लेके इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। 1 सेकेंड, आप चाहें तो सिलिकॉन का स्पैटुला ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसा जो पराठे का पराठा मेकर होता है, हनी को गर्म नहीं करते,
ऐसा टिप आपने एक बार दिया था। हाँ जी हाँ, हनी कभी भी कुक नहीं करना चाहिए। हनी को हमेशा, जैसे हम हनी चिली पोटैटो भी बनाते हैं तो हनी को हमेशा हम लोग लास्ट में डालते हैं। ये देखिए ऐसे इस पे थोड़ा सा हम घी लगाएंगे। और जो भी साइज आपको चाहिए, जितनी भी थिकनेस चाहिए, वैसे करके आप इसको अच्छे से, एकदम हो गया है ऐसे सेट करेंगे। थोड़ा सा ये ठंडा होगा उसके बाद हम इसको कट करेंगे। कट मीन्स पूरा नहीं, अभी सिर्फ मार्क्स देंगे, फिर ये अपने आप और जब ठंडा हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तब ये अच्छे से ब्रेक होगा। तो हमें इस टाइम पे सिर्फ कट के मार्क्स लगा देने हैं, उसको सेपरेट नहीं करना है, अलग नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, अच्छे से रेस्ट करने दीजिए, अच्छे से ठंडा होने दीजिए। उसमें जो हमने शुगर डाली वो हार्डन होगी तो अपने आप इसमें सेट हो जाएगा। मैंने पहले से थोड़े से बना के रखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बना के काट दिए थे तो ये एकदम, हाँ जी हम लोग गुड़ भी यूज कर सकते हैं चाशनी बनाने के लिए। तो ये मेरे पहले से बने हुए ग्रैनोला बार से। तो आई होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आप ट्राई करेंगे। वेरी गुड रेसिपी फॉर फास्टिंग और हेल्दी तो है ही। आप इसको अदरवाइज भी बना सकते हैं, इसमें ओट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें चॉकलेट डाल सकते हैं, चॉकलेट अपने आप फिर सेट हो जाती है मेल्टेड चॉकलेट में। आप ये पूरा मिक्सचर को मिक्स करके मेल्टेड चॉकलेट में भी डाल के बना सकते हैं, उससे वो सेट हो जाती है। तो बच्चों को भी हम लोग ये बहुत इजीली खिला सकते हैं चॉकलेट के साथ। तो जरूर ये रेसिपी ट्राई करिए, आपको बहुत मजा आएगा। एंड अगर करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे टैग करिए, अमूल को टैग करिए और जल्दी ही फिर मिलेंगे हम एक न्यू रेसिपी के साथ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विथ मी। एंड अमूल को भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी दी अपनी एक रेसिपी शोकेस करने के लिए। और जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सोनिया जी। मैं थोड़ा आपको रिवर्स करके पास से भी दिखा देती हूँ। आई नो पास से रेसिपी देखने का मजा कुछ और ही होता है। ये देखिए, ये जो हमने अभी बनाया है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि क्रैनबेरी थोड़ी सी खट्टी होती है और एक सॉफ्टनेस देती है, और जितना हमारा जो सीड्स हैं वो सारे क्रंची हैं क्योंकि हमने उनको सेक लिया था। फिर इसमें हनी की स्वीटनेस आती है, घी का थोड़ा सा फ्लेवर आता है। आप अभी फास्टिंग में घी यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप इसको बटर में बना सकते हैं, पीनट बटर या नॉर्मल बटर, तो उसमें बटर का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये लगता भी बहुत टेस्टी है और हेल्दी तो है ही, वो आप देख ही सकते हैं कि हमने जो इसमें इन्ग्रीडियंट्स यूज किए हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो चलिए मैं अपना सेशन यही एंड करती हूँ और जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू सेशन के साथ। ओके बाय बाय, बाय मम्मा।